नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट राव जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सिंगल गेज को डबल कैसे करें, ट्रिपल कैसे करें, फोर्थ कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी मोटर की जो तार होती है SWG स्टैंड वायर गेज होती है, उसको डबल करने का तरीका, ट्रिपल करने का तरीका या उसको फोर्थ करने का तरीका मैंने बताया था इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डबल वायर होती हैं, डबल वायर गेज होती है, उसको सिंगल कैसे करें, ट्रिपल वायर गेज को सिंगल कैसे करें, फोर्थ वायर गेज को सिंगल कैसे करें, या फोर्थ गेज है उसको डबल कैसे करें। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों ने इस कॉम्बिनेशन चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चार्ट के अंदर कुछ गेजेस हैं जो आप मोटे वाले अक्सर देख रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो मोटे वाले नंबर देख रहे हैं, ये हमारे गेज हैं, जो तार का गेज होता है स्टैंडर्ड वायर गेज वो है। और जो इनके नीचे लिखे हुए हैं, जस्ट इनके नीचे लिखे हुए हैं, ये इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से ही हम तार को डबल या सिंगल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए, आप चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास डबल तार है, ठीक है, आपकी मोटर के अंदर। तो पहला तार है आपका 14 नंबर और दूसरा तार है 15 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। पहला तार जो है आपका वो 14 नंबर है, ठीक है। दूसरा तार आपका 15 नंबर है, ठीक है, डबल तार है। अब आपको यहाँ पे इनके नीचे इनकी वैल्यू लिखनी है, 14 नंबर की और 15 नंबर की, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हम देख लेते हैं, 14 नंबर की, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 59। अब 15 नंबर की हम लिख लेते हैं 47.66, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, हमको इन दोनों तारों को सिंगल करना है, डबल तार है तो सिंगल हमको करना है, तो इन दोनों तारों की वैल्यू को प्लस करना होगा, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को प्लस करना होगा। तो वैल्यू प्लस वैल्यू हम कर देंगे, 14 की वैल्यू 15 से प्लस कर देंगे और हमारा जो उत्तर आता है इसमें वो आता है 106.66। जी हाँ दोस्तों, अभी एक वैल्यू आई है, जो उत्तर है ये वैल्यू है 106। अब इस वैल्यू को हम मैच करेंगे चार्ट में, ठीक है, जो वैल्यू आई है 106। अब जिस तार की ये वैल्यू होगी उसी तार को हम डाल देंगे इन दोनों की जगह सिंगल, ठीक है दोस्तों। तो 106 वैल्यू किसकी है, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 12 नंबर की वैल्यू 99 है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम है 106 से, और 124 आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस 12 नंबर अगर आप डालेंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको इन दोनों के बीच का वायर सेलेक्ट करना होगा। तो इसके बीच का जो वायर है वो है 11.5 नंबर, ठीक है दोस्तों, 11.5 नंबर आपको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 11.5 SWG, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये दोनों तार 14 नंबर और 15 नंबर की जगह एक तार डल जाएगा जो कि 11.5 का है, ठीक है दोस्तों, तो ये सिंगल हो जाएगा। तो ये था हमारा डबल से सिंगल करने का। अब ट्रिपल से सिंगल हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए हमारे पास मोटर के अंदर तीन तार हैं, 20 नंबर का है पहला, दूसरा भी 20 का है, तीसरा भी 20 का ही लगा लो, ठीक है।
तो कुछ किसी भी नंबर के निकल सकते हैं, जरूरी नहीं है, तो वही नंबर आप लिखें, ठीक है। अब जस्ट इनके नीचे इनकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर की क्या वैल्यू है, 20 नंबर तार की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए 12 है, ठीक है, 12.00 वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के नीचे हम 12 लिख देते हैं, अगले वाले के नीचे भी 12 लिख देते हैं, इसकी भी वैल्यू 12 है। तो अगर यहाँ पे 21 होता तो आपको 21 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी थी, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लिखें। अब हमको इन तीनों तारों से एक सिंगल तार बनाना है, तो तीनों की वैल्यू को प्लस करना होगा, तो यहाँ पे हमारा 36 आता है, ठीक है, उत्तर इसका जो है 36 आता है, 36 वैल्यू एक निकल के आती है। अब 36 ये जो आया है इसको हम मैच करेंगे, ठीक है, चार्ट में वैल्यू से ही मैच करेंगे इस वैल्यू को। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 17 नंबर तार की 28 वैल्यू है, यहाँ पे 16.5 की 33 है, ठीक है, और 33 अगर हम 16.5 नंबर अगर हम डालते हैं तो कम पड़ जाता है, ठीक है, और अगर हम 16 नंबर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन एक नंबर का फर्क है, आप 16 नंबर इसमें डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एक पॉइंट से, एक नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका वेट, मोटर का वेट में तो फर्क पड़ेगा, वो तो होता है, बट आपको यहाँ पे 16 नंबर यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 37 पॉइंट है। तो इन तीनों तारों की जगह आप यहाँ पे 16 नंबर SWG डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 20 नंबर तीन तार थे, तो यहाँ पे 16 नंबर इनकी जगह, तीनों की जगह एक आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास चार तार हैं, ठीक है, तो पहला तार मान लीजिए 14.5 का है, दूसरा भी 14.5 का लगा लो, सारे ही आप यही लगा लो, ठीक है। अब 14.5 की हमारे पास चार तार हैं मोटर के अंदर, हम इसको सिंगल करना चाहते हैं, तो 14.5 की वैल्यू हम लिखेंगे इनके नीचे। तो 14.5 की वैल्यू है यहाँ पे देखिए 58, तो जस्ट इनके नीचे हम वैल्यू लिख देते हैं सभी की वैल्यू, ठीक है। अब चारों तारों को हम सिंगल करना चाहते हैं, तो इनकी सभी की वैल्यू को हम प्लस करेंगे, इनको आपस में प्लस कर देना है वैल्यू को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल आता है 232 वैल्यू आती है। अब इस 232 वैल्यू को हम मैच करके देखते हैं, ठीक है, चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे 224, यहाँ पे 150, 190, ठीक है, यहाँ पे 234 आता है, पीछे का दो अंक बड़ा हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आगे का भी अगर एक दो ऊपर नीचे हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे, यहाँ पर मैच होता है, ठीक है, वैल्यू 232 आई है, तो 234 वैल्यू का हम ये 8 नंबर SWG यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 नंबर SWG, ठीक है दोस्तों। तो इन चारों वायर की जगह हम एक वायर यहाँ पे 8 नंबर इंस्टॉल कर सकते हैं मोटर के अंदर। तो ये तो था दोस्तों, डबल से सिंगल कैसे करें, थ्री से, ट्रिपल से सिंगल कैसे करें, या फोर्थ से सिंगल कैसे करें। अगर आपको, आपके पास यहाँ पे फोर्थ हैं, ठीक है, चार वायर हैं, आप इनको डबल करना चाहते हैं तो उनको डबल भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको डबल करना है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो दो तारे हैं उनकी वैल्यू को आपस में प्लस कर दीजिए, ठीक है,
तो किसी भी दो की वैल्यू को आपस में प्लस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इन दो की वैल्यू को आपस में प्लस करते हैं, तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करने पे आता है 116। तो एक वायर हमारी इस वैल्यू की बन जाएगी और दूसरी वायर भी सेम यहाँ पे गेज हैं तो इसका भी यही आएगा। तो 116 एक वायर हमारी ये बन जाएगी। अब इन वैल्यू को हम देखते हैं 116 कहाँ पे मैच हमारा होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 99 है, 116 से कम है, ठीक है, और यहाँ पे 124 है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 124 भी चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप फिक्स करना चाहते हैं बिल्कुल तो आप 11.5 डाल दें, क्योंकि 11.5 अगर आप 12 डालेंगे तो वैल्यू कम है 116 से। अगर ज़्यादा 11 नंबर आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप 11.5 नंबर यहाँ पे गेज डाल सकते हैं। तो इसकी इस पर भी आप 11.5 का SWG डाल सकते हैं और यहाँ पे भी आप 11.5 का SWG डाल सकते हैं, ठीक है। तो दो तार आपके बन जाते हैं, कि ये हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप डबल इनको कर सकते हैं फोर्थ केबल को, ठीक है दोस्तों। और इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। मुझे कई सारे कमेंट भी आए कि सर अगर हम तार को डबल करते हैं तो जो आपका वेट है तारों का उसमें फ़र्क आएगा कि नहीं। हाँ उसमें फ़र्क आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की भी बात है, वैल्यू भी ऊपर नीचे कुछ होती रहती है और तारों में फ़र्क आता है, लेकिन आपका जो काम है वो बन जाता है, ठीक है। और मुझे और भी कमेंट आए पिछली वीडियो पे कि ये अगर हम तारों को डबल करते हैं या डबल से सिंगल करते हैं तो टर्न भी ऊपर नीचे करने पड़ सकते हैं कि नहीं, तो मैं कहूँगा हाँ करने पड़ सकते हैं। तो इनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सबका भला हो सके। और कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।